प्रशासन और बुंदेलखंड कनेक्ट मिलकर करेंगे लव यू जिंदगी, इसी माह होगा आयोजन। वन विभाग का कर्मचारी ही निकला लकड़ी का तस्कर, चित्रकूट की रायपुरा पुलिस ने लकड़ी से भरा ट्रैक्टर पकड़ा। कांग्रेस के नेताओं ने किया उपवास, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने का केंद्र पर आरोप। झांसी में लोगों ने इकट्ठा होकर देशी शराब के ठेके को कराया बंद, ठेके की वजह से माहौल बिगड़ने का लगाया आरोप। वर्तमान दौर में रोज तरक्की करने के साथ साथ इंसानों में तनाव व चिंता का असर बढ़ता जा रहा है, इसी डिप्रेशन के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो गया है। ऐसे में जरूरी है कि व्यक्ति स्वयं व आसपास के वातावरण को फिर से जाने व उससे जुड़े। पुलिस अधीक्षक शालिनी ने रविवार को बांदा के अवस्थी पार्क में योग गुरु प्रकाश साहू के निर्देशन में योग किया और बताया कि जीवन को तनाव मुक्त करने के लिए योग आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम लव यू जिंदगी का आयोजन इसी माह के अंत में होगा, जिसे बुंदेलखंड कनेक्ट के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा। इसमें व्यापार मंडल का भी योगदान होगा। बांदा में एक बुंदेलखंड कनेक्ट और व्यापारी संगठन के साथ मिलकर बांदा में एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है लव यू जिंदगी, और इसके तहत हम लोग योगा मैराथन और नाट्य मंचन के कार्यक्रम और एक स्ट्रीट फूड डे भी मनाएंगे, जिसके तहत हम लोगों को बस ये है कि हम अपनी जिंदगी में जो तनाव से पूर्ण रहते हैं और कैसे हम तनाव मुक्त रह सकें और कैसे हम लोग खुश रह सकें और जिंदगी इसको, और अगर हमारे पास एक टेंशन है तो हमको पास दूसरा नजरिया होना चाहिए कि जिंदगी कैसे जीनी है, अपनी जिंदगी से कैसे प्यार करें। इसके लिए हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसको हमने बांदा में नाम दिया लव यू जिंदगी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर जब रायपुरा पुलिस ने ग्राम घुनुआ में अवैध रूप से काटी हुई शीशम आदि की लकड़ी से भरा ट्रैक्टर पकड़ा, तो पता चला कि लकड़ी तस्कर कोई और नहीं बल्कि वन विभाग में संविदा पर वॉचर के रूप में कार्य कर रहा कमलाकांत है। अब सवाल उठता है कि यदि वन रक्षक ही वन भक्षक बन जाएंगे तो हरे भरे जंगलों को बचाएगा कौन। हालांकि DFO ने बताया कि पकड़े गए वॉचर को 3 महीने पहले ही निकाला जा चुका था और ये सारी कार्यवाही वन अधिनियम की धारा के अंतर्गत हुई है। सीज किए हुए ट्रैक्टर में 31 पेड़ कटे हुए बरामद हुए हैं। आज बांदा शहर में कांग्रेस पार्टी के जिला एवं शहर के नेताओं ने पार्टी के आह्वान पर अशोक स्तंभ के नीचे सुबह से लेकर शाम तक सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से देश व प्रदेश में भाईचारे का माहौल खराब हो गया है। हर जगह सांप्रदायिकता की राजनीति की जा रही है। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हिंसक घटना, हत्या, आगजनी देश के लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसी घटनाएं देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक हैं। देश के सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, माननीय राजबब्बर साहब के आह्वान पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस आज उपवास के कार्यक्रम में है और उसी क्रम में हम सब बांदा जिला व शहर कांग्रेस जन अशोक लाट चौराहा बांदा में शांति उपवास पर बैठे हुए। झांसी में इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास स्थित एक देशी शराब के ठेके पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और इकट्ठा होकर उन लोगों ने ठेके को बंद करा दिया। लोगों का कहना था कि यहां कई विद्यालय संचालित हो रहे हैं और एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी यहीं स्थापित है। प्रतिदिन सुबह और शाम के वक्त सभी लोग टहलने निकलते हैं, लेकिन देशी शराब का ठेका खुल जाने के बाद महिलाओं को आने जाने में असुविधा हो रही है और वहां का माहौल बिगड़ रहा है। हालांकि पहले ये लोग आबकारी अधिकारी से मिले थे पर उनके जवाब से असंतुष्ट होने पर स्थानीय लोगों ने स्वयं इसे हटाने का जिम्मा लिया। यहाँ सब संभाग महिलाएं निकलती है, शाम को घूमने निकलती है। झांसी का पूरे हार्ट ऑफ द सिटी है, हार्ट ऑफ द सिटी है ये इलाहाबाद बैंक चौराहा। यहाँ पे शाम को महिलाएं निकलती है। दो दो स्कूल है जहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं, इसी चौराहे से होकर गुजरते हैं, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? शराब पीते हुए लोगों को देखेंगे, खुद उन्हें पीने की लत पड़ेगी, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। दारू, कच्ची दारू का ठेका नहीं खुलने जाएगी। कच्ची पक्की कोई भी, कच्ची हो या अंग्रेजी हो, कोई भी खुलेगा ही नहीं। बहुत अच्छा पोश एरिया है, यहाँ चर्च है, यहाँ माता बैठती है, कोचिंग है, क्राइस्टकिंग कॉलेज है, पुरानी रेड रोज है, इतना स्कूल। कौन सा एरिया है ये? कौन सा एरिया?